हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर आपको सिर्फ ट्रेवल इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाती, बल्कि बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती हैं। इसलिए आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, वो देश बहुत ही खास है। खास होने के साथ साथ उसका नाम ही शायद आपने पहले कभी सुना हो, और इसी के साथ उस देश से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां भी आज हम आपको देंगे। वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, रहन सहन कैसा है, वो कौन कौन सी जगह है जो उस देश को खास बनाती हैं, इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ न्यू ईयर इंडिया से पहले मना लिया जाता है। जी हाँ, यहाँ न्यू ईयर इंडिया से पहले मन जाता है और लोग खूब पार्टी भी कर लेते हैं, और हम जब सुबह उठते हैं तब न्यू ईयर मनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं कि एक देश ऐसा भी है जहाँ हमसे पहले ही न्यू ईयर मन चुका है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस देश के साथ जुड़ी हुई है। और हाँ दोस्तों, इस देश के साथ एक बात और है जो जुड़ी हुई है, वो ये है, ये लॉट्स ऑफ आइलैंड्स का घर कहा जाता है। जी हाँ, अगर आप आइलैंड से प्यार करते हैं तो इस देश की सैर पर जरूर आइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास वीडियो की, और आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक बेहद ही खूबसूरत और खास देश जिसका नाम है टोंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, टोंगा का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ टोंगा है, जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक संप्रभु द्वीपीय देश है। टोंगा का कुल क्षेत्रफल 748 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 289 वर्ग मील। टोंगा 169 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें केवल 36 पर ही लोग रहते हैं, बाकी सब सुनसान है। इसका सबसे बड़ा द्वीप टांगा टापू है, जो कि यहाँ की राजधानी भी है। दोस्तों, टोंगा की आधिकारिक भाषा टोंगन और अंग्रेजी है। टोंगा की मुद्रा का नाम पांगा है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। टोंगा में अधिकतर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, लगभग 99.9%। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर एक ऐसा आइलैंड है जो कभी भी गायब हो जाता है और कभी भी वापस आ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा होता है तो आइलैंड में रहने वाले लोगों का क्या होता होगा। तो परेशान मत होइए, ये आइलैंड बिल्कुल ही सुनसान है, यहाँ कोई नहीं रहता। ऐसी जगह पे कौन रहना चाहेगा जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो। दोस्तों, टोंगा देश में इस आइलैंड को 1781 से 1865 के बीच देखा गया था, जिसकी हाइट करीब 164 फीट थी और ये 2 किलोमीटर एरिया में फैला था। लेकिन 1894 में ये आइलैंड गायब हो गया, और उसके बाद ये आइलैंड 1927 में फिर से देखा गया। तब इसकी हाइट लगभग 1050 फीट थी, लेकिन 1949 में ये फिर से गायब हो गया, और फिलहाल ये अभी गायब ही है। हैरान है ना आप जानकर? मैं अभी बहुत सरप्राइज थी व्हेन आई केम टू नो अबाउट इट। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले नया साल टोंगा में मनाया जाता है। नए साल का स्वागत सबसे पहले ओशियानियाई क्षेत्रों के लोग करते हैं। इसमें टोंगा, समोआ और किरीबाटी नए साल का स्वागत करने वाले पहले देश है। अगर भारत के टाइम से तुलना की जाए तो यहाँ टाइम भारत से 7.5 घंटे आगे चलता है, यानी कि जब भारत में 31 अक्टूबर को 4:30 बजे होते हैं, तब टोंगा में नए साल का आगाज हो चुका होता है और लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ सबसे पहले नए साल का जश्न मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में हम आपको आगे आगे बताते रहेंगे, और साथ ही आपको सैर भी कराएंगे खूबसूरत जगहों की। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नुक्वालोफा। कई कारणों से ये फेमस है। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा विजिटेड करने वाली जगह है। टोंगा टापू के उत्तरी तट पर स्थित और नुक्वालोफा में रॉयल पैलेस और तालामाऊ मार्केट जैसे प्रतिष्ठित स्थान है, जहां लोग काफी घूमने जाते हैं। दक्षिण प्रशांत के एकमात्र साम्राज्य की राजधानी होने के बावजूद ये शहर अपने आप में काफी छोटा है। दोस्तों, ये है हामोंगा एकमाऊ। टोंगा में सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से ये एक है, हामोंगा एकमाऊ है। कहा जाता है कि टोंगा टापू में मूंगा चूना पत्थर मेगालिथिक संरचना 1200 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तुई टोंगा तुई द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा साइट पर माका फाकिनंगा है, जो कि एक झुका हुआ पत्थर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये राजा के सिंहासन के रूप में काम करता था। दोस्तों, टोंगा में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं, तो जब भी आपको समय मिले यहाँ जरूर जाइएगा। दोस्तों, प्रशांत महासागर काफी बड़ी जगह है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि टोंगा अपने व्हेल तैराकी के अनुभवों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये दुनिया की उन इकलौती जगहों में से एक है जहाँ आप कानूनी तौर पर हमबैक व्हेल के साथ तैर सकते हैं। ये ऐसी व्हेल है जो सिर्फ और सिर्फ यही नजर आती है।
यहाँ आप आराम से पानी में तैर सकते हैं बिना किसी डेंजर के, बिना किसी दिक्कत के। यहाँ पर आप बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। दोस्तों ये हम्पबैक व्हेल लगभग जून से अक्टूबर के बीच में यहाँ देखी जाती है, तो कोशिश करिएगा इन्हीं महीनों में यहाँ आने की अगर आपको इस व्हेल से मुलाकात करनी है। दोस्तों ये है मापू एबाया ब्लो होल्स। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, टोंगा टापू के दक्षिण तट के साथ लगभग 5 किलोमीटर यानी कि 3 मील तक फैला हुआ है। समुद्र की लहरों को संकीर्ण ब्लो होल्स के माध्यम से हवा में 30 मीटर तक शूट किया जा सकता है। जब पानी वापस धरती पर गिरता है तो बेहद ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों ये है तालामाऊ बाजार। दोस्तों यदि आप नुक्वालोफा की ओर आ रहे हैं तो यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा। दोस्तों इस जगह पर आपको टोंगा का इतिहास, यहाँ की संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलेंगी। यहाँ का हैंडक्राफ्ट काफी फेमस है, लोग आते हैं और यहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं यादगार के रूप में। टोंगा का आर्ट एंड कल्चर यहाँ पर नजर आता है। दोस्तों ये है सेंट जोसेफ कैथेड्रल। पोर्ट ऑफ रिफ्यूज के ऊपर औपनिवेशिक भक्ति का एक दृश्य परिलक्षित करता है। सेंट जोस नेयाफू की वास्तुकला का ये वर्णन करता है। टोंगा में सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से ये एक है। यहाँ पर आप बहुत सारी खास चीजें भी देख सकते हैं। दोस्तों ये है हलाफू बीच। द्वीप के पश्चिम की ओर हलाफू बीच एक रेतीला हिस्सा है, एक चट्टान द्वारा इसे कवर किया गया है, जहाँ टोंगा के कई बेहतरीन सर्फ पीट यानी कि कुशल सर्फर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं, अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये है फाफा बीच। हनीमून जोड़े एक शानदार टाइम इस बीच पर बिता सकते हैं। फाफा द्वीप रिजॉर्ट टोंगा टापू के तट से दूर द्वीपों में सबसे सुंदर द्वीप है। टोंगा में सबसे अच्छे पर्यटक आकर्षणों में से ये एक है। ये नुक्वालोफा से भी कई ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों फाफा की सैर के लिए आप बोट भी बुक कर सकते हैं, जो लगभग सुबह 11 बजे निकलती है और शाम को 4:30 बजे वापस आती है। यहाँ रिजॉर्ट भी आप बुक कर सकते हैं और खूब मस्ती कर सकते हैं। अगर आप नई नई शादी करके यहाँ आना चाह रहे हैं तो यकीन मानिए ये जगह आपके टाइम को और ज्यादा वैल्यूएबल बना देगी। दोस्तों ये है रॉयल पैलेस टोंगा। टोंगा साम्राज्य का राजसी निवास स्थान कहलाता है। ये 1867 में बनाया गया था। टोंगा के राजा का आधिकारिक घर कहलाता है ये। हालांकि महल आम लोगों के लिए खुला नहीं है, लेकिन आप इसे बाहर से आसानी से देख सकते हैं। जब भी आप यहाँ बीचेस पर घूम रहे होंगे तो आप इस महल को आसानी से देख सकते हैं। इस महल के जरिए आपको इस देश की रॉयलनेस नजर आएगी। दोस्तों टोंगा देश के सफर पर सिर्फ इतना ही। आपको ये देश कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।